हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस खोज कर रहे हो और ऑप्शंस की खोज करते हुए आप जा पहुंचे हो पीपीएफ के ऊपर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि गवर्नमेंट जिसको रेगुलेट करती है, और जिस जो ये फैसिलिटी हर बैंक में उपलब्ध है, हर पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है। आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर अभी तक आपने पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवाया और आप यूको बैंक के अकाउंट होल्डर हो, और मात्र 2 मिनट से भी कम समय में आप अपने मोबाइल से अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो। जानते हैं पूरी प्रक्रिया के बारे में। यू आर वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल द सिंह ब्रॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने यूको बैंक की मोबाइल बैंकिंग अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखी है, पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखी है, अगर आपको यूको बैंक की मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन में या इसको इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम है, आप हमारी वीडियो के नीचे दिए कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के ऊपर पहले से अवेलेबल ये वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस तरह के कुछ उनके थंबनेल्स हैं। और चलिए हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हम पहुंचेंगे इसके डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर जब हम जाएंगे, हमें चुननी है यहाँ से सबसे लास्ट वाली अदर सर्विसेज की ऑप्शंस। अदर सर्विसेज में है जब हम जाएंगे तो इसमें हमें ऊपर ही दिखता है पीपीएफ। पीपीएफ अकाउंट को ड्रॉप डाउन में लिस्ट में आएगी, हमारे 3 ऑप्शंस यहाँ आती हैं, स्टैंडिंग सेक्शन या फिर व्यू स्टैंडिंग सेक्शन एंड पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग। पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशंस मिलेगी बैंक की तरफ से, जिसमें एक तो लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर द 15 ईयर। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 15 साल के लिए आपको ये अकाउंट खुलेगा। दैट एंड इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 500 एंड मैक्सिमम 1.5 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर। एंड नेक्स्ट इज डिपॉजिट अकाउंट शुड बी मैक्सिमम 12 ट्रांजैक्शन इन ए फाइनेंशियल ईयर। एंड इनकम टैक्स बेनिफिट अंडर 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आल्सो अवेलेबल फॉर द पीपीएफ अकाउंट। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर भी इसको चेक कर सकते हैं कि आपको पीपीएफ में जो भी अमाउंट डिपॉजिट करोगे उसके आपको ये बेनिफिट हैं। प्रोसीड बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ और इंफॉर्मेशन आगे ओपन हो जाएगी, जिसमें एक तो आप कौन सी टर्म एंड कंडीशंस हैं, इनको आप आराम से पढ़ सकते हो। बैंक की तरफ से दी गई टर्म एंड कंडीशंस हैं। एग्री के ऊपर क्लिक करना है और आगे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आगे कोई भी प्रोसीड सबमिट का बटन, नेक्स्ट का बटन तो नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना होगा अकाउंट नंबर। हम जो भी अकाउंट, सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हैं यूको बैंक में, उस अकाउंट नंबर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे उसका अवेलेबल बैलेंस आ जाएगा और मिनिमम इनिशियल अमाउंट 500 ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लेगी। और इसके नीचे हमारी पर्सनल डिटेल जो कि हमने बैंक में सबमिट कर रखी है, बैंक में दर्ज है, वो सारी एज इट इज़ नीचे शो हो जाएगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर आपने इनिशियल अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट को चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आप एक बार चेक कर लीजिए। और यहाँ पे नीचे 2 तरह के ऑप्शंस हैं, एक तो फादर और स्पाउस का नेम, एंड सेकंडली नॉमिनेशन। अगर आपने नॉमिनेशन रखना है, यस के ऊपर क्लिक करिए और आगे नॉमिनेशन का नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ डिटेल फिल करने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, आप फिर इससे पहले वाले पेन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको फादर्स नेम भरना है, स्पाउस नेम भरना है और नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपको सेकंड स्टेप पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको अपना डेबिट अकाउंट नंबर और नॉमिनेशन, यस, फादर्स नेम, स्पाउस नेम, नॉमिनी नेम एंड परसेंटेज ऑफ द शेयर, ये छाप कुछ दिखाएगा और कन्फर्म करने के लिए कहेगा। कन्फर्म के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे देना होगा अपना टी पिन। टी पिन एंटर करते ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा।
ओपन करने के बाद आपको मैसेज भी आएगा और इसी एप्लीकेशन में शो भी करेगा, क्योंकि हमारा पहले से अकाउंट ओपन है इसलिए हमने इसको कैंसिल करके सीधा वापस आ गए। ये फाइनल स्टेप तक हमने आपको बता दिया। इसके बाद आपको अपनी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लगा सकते हो कि ऑटोमेटिकली आपके डिपॉजिट अकाउंट से आपके PPF अकाउंट में हर साल हर महीने किसी भी तरह आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र होती रहे। और सेकंड ऑप्शन से आपने जो पहले से इंस्ट्रक्शन लगा रखी हैं उनको आप व्यू या फिर डिलीट कर सकते हो। जो आपका PPF अकाउंट खुल जाएगा, आपका नेक्स्ट वर्किंग डे ये PPF अकाउंट खुल जाएगा और आपकी अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगी। और आप माई अकाउंट सेक्शन में जाके ऊपर से जो आपको पट्टियाँ दिखती हैं सेविंग ओवरड्राफ्ट टर्म डिपॉजिट, उसमें आपको स्क्रॉल राइट या लेफ्ट करके वहाँ आपको एक और ऑप्शन दिखनी शुरू हो जाएगी PPF PPF अकाउंट जब ओपन होगा उसके बाद, और अब आप वहाँ पे जाके अपने PPF अकाउंट की डिटेल वगैरह देख सकते हैं। तो ये तो थी दोस्तों डिटेल वीडियो फॉर ओपनिंग ए PPF अकाउंट इन यूको बैंक बाय द हेल्प ऑफ द यूको एम बैंकिंग प्लस मोबाइल एप्लीकेशंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ, जिसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल द सिंह ब्रॉडकास्ट के साथ फॉर द फ्यूचर इन्फॉर्मेशन वीडियो।